दोस्तों, मैं बृजमोहन शर्मा एक बार फिर से आपके सामने। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। ट्रांसलेशन के इस क्रम में आज आपको सिखाया जा रहा है पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। वैसे तो चार्ट मैंने सेंटेंसेस का पढ़ा दिया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो उस चार्ट को देख सकते हैं, लेकिन आज पास्ट परफेक्ट सेंटेंस और फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि इसमें बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद वाले डबल सेंटेंस आते हैं, और जिनको मैंने देखा है कि कई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं बच्चे, वो इसको नहीं कर पाते, इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने एक साधारण ऐसा नियम बनाया है, भले ही वो कंपटीशन में भी कई बार आते हैं ये, तो बच्चे इसको बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और अब हम बोर्ड पर हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। हमें पता है इसमें चुका था, चुके थे शब्द आते हैं। क्या इसकी पहचान हिंदी में, अगर हम पहचानते हैं पास्ट परफेक्ट को, हम दोनों सेंटेंस कराएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन जैसे ही आप पास्ट परफेक्ट सीख जाओगे, फ्यूचर परफेक्ट फिर आपके पास बड़े आसानी से आ जाएगा। तो हम पूरा ध्यान पहले पास्ट परफेक्ट पर देंगे। इसमें चुका था सेंटेंस आता है, सामान्य सेंटेंस तो सब जानते हैं। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब हम डबल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इसमें दो कार्य है, पुलिस का आना और उससे पहले चोर भाग चुका था। हमने सेंटेंस को दो भागों में तोड़ दिया। इसमें दो सेंटेंस आते हैं, एक में पहले शब्द आता है और दूसरे में बाद या पश्चात शब्द आता है। तो जिसमें पहले शब्द आता है उसका नियम ऊपर के दो कॉलम है, और जिसमें बाद शब्द आता है उसका नियम नीचे के दो कॉलम है। तो पहले हम ये सेंटेंस देखते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो पहले क्या हुआ, चोर भागा, चोर का भागना पहले समाप्त कार्य, तो हमने लिख लिया पहले समाप्त कार्य। और इसका नियम है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा कार्य है पुलिस का आना, उसको हमने कहा बाद में समाप्त कार्य, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जैसा कि आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म देख रहे हैं, आप यहीं से समझ जाइए, पहला सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरा बनता है पास्ट इनडेफिनिट में। पहला पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इनडेफिनिट से में। तो हमारा सेंटेंस बना चोर भाग चुका था, तो द थीफ हैड रन बिफोर, और बिफोर के बाद पास्ट इनडेफिनिट द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम, यहाँ पर केवल सेकेंड फॉर्म आएगी। ये पहले वाला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, तो द प्योन, पहले समाप्त कार्य चपरासी ने घंटी बजाई। तो हम देखेंगे द प्योन हैड रंग द बैल बिफोर मेरा स्कूल पहुंचना, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। पहले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया और बिफोर के बाद आई रीच्ड स्कूल। तो हमें ये सेंटेंस पहले नियम से बनाना है कि पहले समाप्त कार्य में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और बाद में जो कार्य हुआ है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि हम इसका निगेटिव बनाते हैं, जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, नहीं आ गया, तो हम हेड के बाद नोट लगा देंगे। अगर इसका पर्सनवाचक बनाए, इंटरोगेटिव बनाए, तो हेड को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, आई डब्ल्यू से भी पहले ले लेंगे। इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेज बनाएंगे। उसके बाद जब हम इसमें देखते हैं कि बाद शब्द आ जाता है, बाद शब्द का मतलब होता है जैसे मरीज के दवाई खाने के बाद डॉक्टर साहब चले गए थे, अगर बाद आए तो नियम इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है, फिर बाद में समाप्त कार्य पहले आ जाता है और पहले समाप्त कार्य बाद में आ जाता है। कैसे, ये द डॉक्टर वेंट, डॉक्टर चले गए थे, यानी कि सेकंड फॉर्म पहले आएगी और हैड वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट वाला बाद में आएगा, आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन। और अगर इसमें निगेटिव आ जाए पास्ट इंडेफिनिट, ऊपर तो हेड के बाद नोट लगता, बिफोर वाले में तो हेड के बाद नोट, लेकिन अगर आफ्टर वाले का निगेटिव हो, तो क्योंकि पहला सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होती है और ये होता है पास्ट इंडेफिनिट, इसका निगेटिव बनाने के लिए फिर हम डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। हम जानते हैं कि अगर सेकंड वैसे सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर डिड आ जाता है फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसमें डिड नॉट का, और अगर इसका पर्सनवाचक बनाना हो, बाद में हो जिसमें, उसमें डिड पहले आ जाता है।
तो हम ये ध्यान रखें, जिसमें बिफोर हो उसमें हेड वाला सेंटेंस पहले बनता है, दूसरा बनता है पास्ट इंडेफिनिट, और जिसमें बाद शब्द हो उसमें पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनता है और दूसरा बनता है पास्ट परफेक्ट। आप इस सेंटेंसेज को कर लीजिए, बहुत अच्छे सेंटेंस हैं। और आप इसमें ये ध्यान रखना कि अगर बाद शब्द, अब एक बात और है, कंपटीशन का सेंटेंस है, क्योंकि हर कंपटीशन में ये सेंटेंस आता है, तो आप एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, कंपटीशन में हिंदी में सेंटेंस नहीं लिखा होता, इंग्लिश में लिखा होता है। तो आपके करने का तरीका होना चाहिए, एक छोटा सा इसका मंत्र है कि बिफोर तो हेड बिफोर, आप मेरी टोन में याद करिए, बिफोर तो हेड बिफोर और आफ्टर तो हेड आफ्टर, आप इसको याद कर लेना, बिफोर तो हेड बिफोर और आफ्टर तो हेड आफ्टर। अर्थात अगर सेंटेंस में बिफोर है तो हेड वाला सेंटेंस पहले बनेगा, और अगर आफ्टर है तो बाद वाला सेंटेंस हेड वाला बनेगा, तो हेड बाद में बनेगा। अगर बिफोर है तो हेड पहले और आफ्टर है तो हेड बाद में, और अगर हेड पहले है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म वाला, और अगर आफ्टर है तो पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे में हेड है तो पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेकंड फॉर्म वाला या डिड वाला। कंपटीशन का सेंटेंस है, एक बार फिर सुनिए, अगर बिफोर तो हेड बिफोर, हेड बिफोर तो दूसरे वाला पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर तो हेड आफ्टर, अगर हेड आफ्टर तो पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट। इस मंत्र को ध्यान रखना, कभी ज़िंदगी में सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये आप इसकी बनाने की कोशिश करना। अब फ्यूचर परफेक्ट को हम देखें, अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को। फ्यूचर परफेक्ट के मैंने सेम ही सेंटेंस लिखे हैं, केवल अंतर इतना है उसमें हेड का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट में, इसमें विल हैव और शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वही नियम इसमें है, पहले समाप्त कार्य बाद में समाप्त कार्य। अंतर पास्ट परफेक्ट के साथ बनता है पास्ट इंडेफिनिट, जबकि फ्यूचर परफेक्ट के साथ बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अर्थात अगर पहले शब्द है तो आप विल हैव शैल हैव पहले शुरू में प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर आफ्टर शब्द है बाद में शब्द है तो आप विल हैव शैल हैव बाद में प्रयोग करेंगे, पहले वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें अगर निगेटिव है विल शैल के बाद आप नोट लगाओगे, अगर इंटरोगेटिव है तो विल शैल को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, ये सेम रहेगा। लेकिन अगर बाद शब्द आ गया और हमको निगेटिव लगाना है, फिर हमको पता है कि ये इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, और ये हमने थोड़ा सा गलत लिख रखा है, इसको हम सही करेंगे, मार्कर चाहिएगा, ये हमने इधर फ्यूचर इंडेफिनिट लिख दिया था वो गलत था, यहाँ प्रेजेंट आना चाहिए, अब हमने प्रेजेंट कर दिया है। फ्यूचर परफेक्ट के साथ बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, ये आपको पहले बता रखा है कि ही सी टेंस सिंगुलर के साथ एस आई एस लगता है, आई वी यू दे एंड प्लूरल फर्स्ट कंडीशन, नहीं सॉरी सेकंड कंडीशन आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ एस आई एस नहीं लगता है, ये आप पहली जो चार्ट वाली वीडियो है अगर उनको देखेंगे तो इस बात पर क्लियर हो जाएंगे, आप सारी वीडियो देखिए। और तो पास्ट परफेक्ट के साथ बनता है पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट के साथ बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब हम आफ्टर वाला सेंटेंस बनाएंगे इसका, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब आफ्टर वाले सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस। अगर ये निगेटिव हुआ तो इसमें अपनी तरफ से डू नोट या डज नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर इंटरोगेटिव होना तो डू डज आएंगे सब्जेक्ट से पहले। तो फिर से हमें एक बार बता दें, अगर बिफोर हो तो विल हैव शैल हैव पहले, बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आफ्टर हो तो विल हैव और शैल हैव बाद में, यानी कि पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन चार्ट के माध्यम से आप चार्ट उतारिए, सामने आपके चार्ट है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस चार्ट को पहले बनाइएगा, ये चार चार सेंटेंस सेम हैं और इनको बना करके देखिएगा, सेम लिखे हुए हैं तो आप इस सिस्टम को समझ जाएंगे। एक बार फिर बता देते हैं, पहले बिफोर तो हैड बिफोर, अगर हैड बिफोर तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर तो हैड आफ्टर और हैड आफ्टर तो पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में अगर बिफोर तो विल हैव शैल हैव बिफोर, और अगर आफ्टर तो विल हैव शैल हैव आफ्टर, और अगर विल हैव शैल हैव बाद में है तो पहले वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत अच्छा सेंटेंस है, वैसे ये समझ में नहीं आएगा अगर आप बुक से बनाएंगे, हाँ इसमें कुछ सिंगल सेंटेंस होते हैं वे इजीली बन जाते हैं, मैं खाली हेड वाले होते हैं विल हैव वाले होते हैं, सिंपल जो सिंगल सेंटेंस होते हैं इजीली बन जाते हैं,
लेकिन जब आप डबल सेंटेंस की बात करते हैं और कंपटीशन में डबल ही आता है, तो आप इस मंत्र को याद रखना, चार्ट को ध्यान से पढ़ना, आप इसको उतार लीजिए बड़े ध्यान से। और इसको में ही उतारते हैं जिनको तैयारी करनी है, इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। अगर आपको इंग्लिश सीखने का शौक़ है तो सबसे पहले उसी कार्य को सीखने की कोशिश करिए जो आपको हार्ड लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ हमेशा ट्रांसलेशन सीखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।